नमस्कार, विषय कम्प्यूटर, प्रकरण नंबर 2, कम्प्यूटर नी पेढ़ीओ। आज आप प्रकरण नंबर 2 नी अंदर कम्प्यूटर नी विविध पेढ़ीओ विषे अभ्यास करीशू। तो सौ प्रथम जोईशू पहली पेढ़ीना कम्प्यूटर्स। तो जोईए कि पहली पेढ़ीना कम्प्यूटर नो समय घाड़ो केटलो हतो, कि केटला टाइम सुधी पहली पेढ़ीना कम्प्यूटर छे ए चाल्या हता। तो एनो समय घाड़ो छे ईस्वी सन 1945 थी ईस्वी सन 1955, आ समयगाड़ामां पहली पेढ़ीना कम्प्यूटर्स हता। हवे एनी जोईशुं टेक्नोलॉजी। तो एनी टेक्नोलॉजी हती निर्वात नलिका, एटले के वेक्यूम ट्यूब। हवे आपणे एनी विगत जोईशुं। ईस्वी सन 1946 जॉहन डब्ल्यू मोचली अने जेपी एक्टरे अमेरिका में आवेली यूनिवर्सिटी ऑफ पेनेसिल्वानिया में सौ प्रथम डिजिटल कम्प्यूटर एनियाक रजू कर्यु हतु। के सौ प्रथम डिजिटल कम्प्यूटर एनियाक क्यां रजू करवामां आव्युं हतुं? तो के अमेरिका में आवेली यूनिवर्सिटी ऑफ पेनेसिल्वेनिया में। पहली पेढ़ीना कम्प्यूटर्स की शुरुआत एनियाक, एनियाक एटले के इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कम्प्यूटर, आवी रीते कम्प्यूटर की शुरुआत थई हती। एनियाक में आश्रे 20,000 वेक्यूम ट्यूब, 70,000 रेजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर्स, 7,200 डायोड धरावतु हतु अने ते आश्रे 30 टन वजन अने 1,800 स्क्वेर फूट में पथरायेलू हतु। ते एक सेकंड में आश्रे 5,000 जेटला सरवाड़ा अने 2 संख्या आधारित 500 जेटला गुणाकार करी सकतु हतु। एनियक ए कम्प्यूट एटले के गणतरी करी सकतु हतु, जेथी ते सौप्रथम कम्प्यूटर तरीके ओळखायुं, कारण के एनियाक छे ए गणतरी करी शकतु हतु। ईस्वी सन 1951 जॉहन डब्ल्यू मोचली अने जेपी एक्टरे आईबीएम यूनिवेक 1 एटले के यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कम्प्यूटर तैयार कर्युं हतु। हवे आपणे आनी लाक्षणिकताओ जोईशुं के केवा हता। तो के कदमां खूबज विशाळ हता, विशाळ एटले के खूबज मोटा हता, ते खूब वधु प्रमाणमां ऊर्जानो उपयोग करता हता, ते पुष्कळ प्रमाणमां गरमी उत्पन्न करता हता, तेनी जाळवणी मुश्किल हती, ते खूबज खर्चाळ हता, तेमा इनपुट अने आउटपुट प्रक्रिया खूबज धीमी हती, तेनी झड़प अने संग्रह क्षमता मर्यादित हती। के एनियाक हता एक खूबज मोटा हता अने घणी बधी ऊर्जानो उपयोग करता हता अने गरमी पण उत्पन्न करता हता अने एक खर्चाळ पण घणा हता। हवे आपणे एना उदाहरण जोईशुं। तो के एनियाक, एडीवेक, एडीसेक, आईबीएम यूनिवाक 1, आईबीएम 701 वगैरेना उदाहरण छे। हवे आपणे जोईशुं के बीजी पेढ़ीना कम्प्यूटर्स। तो बीजी पेढ़ीना कम्प्यूटर्स नो समयगाळो केटलो हतो? तो के बीजी पेढ़ीना जे कम्प्यूटर हता ए ईस्वी सन 1955 थी 1965, के आटला समयगाळामां ए बीजी पेढ़ीना कम्प्यूटर्स हता। अने एनी टेक्नोलॉजी शुं हती? तो के ट्रांजिस्टर। हवे आपणे एनी विगत जोईशुं। ईस्वी सन 1948 विलियम शोकलीए ट्रांजिस्टरनी शोध करी हती, जे पहली पेढ़ीमां वपरायेला वेक्यूम ट्यूब करता आश्रे 200 गणुं नानुं हतुं। के पहली पेढ़ीना कम्प्यूटर छे एनी सरखामणीमां आ नाना हता। पहली पेढ़ीमां वेक्यूम ट्यूबना कारणे उद्भवती अनेक समस्याओनुं निवारण
અર્ધવાહક પદાર્થમાંથી બનેલા નાના ઘટક એવા ટ્રાન્ઝિસ્ટરના ઉપયોગના કારણે આવ્યું. આ પેઢીના કમ્પ્યુટર્સ એક સેકન્ડમાં આશરે 30,000 ગણતરીઓ કરી શકતા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન યાંત્રિક ભાષાની જગ્યાએ ફોર્ટન અને એલ્ગોલ પ્રકારની ઉચ્ચ કક્ષાની ભાષાનો વપરાશ થયો હતો. હવે આપણે એની લાક્ષણિકતાઓ જોઈશું. અગાઉની પેઢી કરતાં કદમાં નાના બન્યા, તેમાં ગરમીની સમસ્યા ઓછી થઈ, કે પહેલી પેઢીના કમ્પ્યુટર હતા એના કરતાં આ થોડા કદમાં નાના હતા અને પહેલી પેઢીના કમ્પ્યુટરની સરખામણીમાં આનામાં ગરમી પણ ઓછી હતી. તેમાં વીજળીની જરૂરિયાત ઘટી, તેની સંગ્રહ ક્ષમતામાં વધારો થયો, તેની કામ કરવાની ઝડપમાં વધારો થયો. યાંત્રિક ભાષાની જગ્યાએ ઉચ્ચ કક્ષાની ભાષાનો વિકાસ શરૂ થયો. હવે આપણે એના ઉદાહરણ જોઈશું. તો કે IBM 1620, IBM 7070, CDC 1604, યુનિવેક 1108, RCA 501 વગેરે આના ઉદાહરણો છે. થેન્ક યુ.